हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। बच्चों, आज जो हम बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे, फैक्टराइजेशन, क्लास 8 मैथ्स। बुक का नेम बच्चों मैथ्स टुडे, एक्सरसाइज 4.1 की बात करेंगे। तो कैसे हैं आप सब, कैसे हैं आप सबके फैमिली मेंबर्स, आप लोगों के पेरेंट्स कैसे हैं, कमेंट्स बॉक्स में बताइए बच्चों। तो बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कुछ और बच्चे बात तो बता दूं आपको, क्लास 9th के हमने कुछ चैप्टर्स 5 तक अपलोड कर दिए हैं, क्लास 10th के भी बच्चों चैप्टर नंबर 5 तक यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, मींस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के एनसीईआरटी बच्चों हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों ही अपलोड कर दी गई है बच्चों। क्लास 6 कंपोजिट मैथमेटिक्स ऑल कंटेंट्स बच्चों जितना था पूरी कंप्लीट बुक अपलोड कर दी गई बच्चों। क्लास 8 की कंप्लीट बुक कंपोजिट मैथमेटिक्स की अपलोड कर दी गई बच्चों। क्लास 7th के चैप्टर नंबर 4 की फर्स्ट एक्सरसाइज बच्चों अपलोड कर दी गई है। तो आइए आज हम मैथ्स टुडे की एक्सरसाइज 4.1 की बच्चों बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप सब कैसे हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देख लेंगे बच्चों। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म बच्चों। क्या क्वेश्चन, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मींस आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। आप लोग पहले भी क्लासेज में पढ़ के आएंगे एचसीएफ और एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बच्चों। आइए हम लोग एचसीएफ कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए 4x लिखा हुआ, हम लोग इसको क्या लिखेंगे बच्चों, 2 × 2 × x बच्चों। यहाँ 2y लिखा है, इसको हम लिखेंगे 2 × y बच्चों। अब क्या लिखा बच्चों, 12xy बच्चों। 12 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 = 4 × 3 = 12 x × y बच्चों। अब HCF फाइंड आउट करना बच्चों, HCF ऑफ किसका किसका, 4x 2y एंड 12xy। देखिए ध्यान से समझना, हाईएस्ट क्या होता है, मतलब जो बच्चों सब में कॉमन हो। क्या क्या आ रहा है, देखिए 2 और 2 बच्चों, एक तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद बताइए क्या कोई पेयर बना बच्चों आपका, बताइए x यहाँ है, इसमें नहीं है, यहाँ है, कोई बात नहीं। y देखिए तीनों में है क्या, नहीं है, तो आपका HCF कितना आ जाएगा बच्चों, ओनली 2 आ जाएगा। यही क्या है आपका बच्चों, आंसर हो गया। हम इसका आंसर चेक कर लेंगे, आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा, एक्सरसाइज आपकी 4.1। यस, ओनली 2 आ गया बच्चों आपका आंसर। देखिए अब इसका बी पार्ट और देखते हैं, ये जगह क्या लिखा हुआ, 3x² क्या लिखेंगे, 3 × x × x, क्लियर हो जाएगा। 6x² एक बार मैं जरा क्वेश्चन चेक कर लूँ, यस 6x² ही है बच्चों। क्या लिख सकते हो आप इसको, 2 × 3 = 6 और x × x बच्चों, क्लियर। 18x³ लिखा हुआ बच्चों, 2 × 3 = 6 × 3 = 18, x कितने टाइम बच्चों, 3 टाइम। क्या निकालना बच्चों आपको, HCF आपसे पूछा गया है, HCF ऑफ किसका किसका, 3x² 6x² और कितना बच्चों, 18x³। आइए कॉमन फैक्टर देखते, कॉमन देखना है, कॉमन देख लेते हैं हम लोग जरा। देखिए 2 तो है नहीं इसमें, 3 पर आइए, देखिए ओनली 3 आ गया। x काउंट करिए बच्चों, ओनली 2 टाइम, तो आंसर कितना आ गया बच्चों, 3x² क्या आ जाएगा आपका आंसर। आइए इसका सी पार्ट देख लेते हैं बच्चों। आइए सी पार्ट देखिए बच्चों, 11abc, तो इसका कितना होगा बच्चों, 11abc। उसके बाद बच्चों कितना लिखा हुआ, 33a² b² c² बच्चों, तो 33 × a² को आप ऐसे लिख देंगे, b² और c² बच्चों। इसको वैसे लिखने की जरूरत नहीं है कोई, क्योंकि ऐसे ही हमारा क्वेश्चन हो जाएगा इजी वैसे। 11abc एंड 33 a² b² c² इक्वल टू बच्चों कितना आएगा, ध्यान दीजिए। देखिए 11 है यहाँ पे, यहाँ पर कितना लिखा, 33। आप इस 33 को आप इस तरीके से लिख दीजिए, मैं आपको इजी वैसे बता दूँ थोड़ा। ये देखिए 11 इक्वलर, 11 कॉमन आ गया आपका, 11 हो गया। देखिए ए वन टाइम है, यहाँ पर भी वन टाइम, टू टाइम है, यहाँ बी वन टाइम है, यहाँ पर टू टाइम है, सी वन टाइम है, यहाँ टू टाइम, तो कितना आएगा, 11abc क्या हो जाएगा आपका। कॉमन देखना होता है आपको, यहाँ आ जाइए, देखिए डी पार्ट, 10pqr, 10 को क्या लिखेंगे, 2 × 5 = 10 और pq और ये आपका r, आपका 30 लिखा हुआ qr बच्चों, 30 को क्या लिखेंगे, 2 × 5 = 10, या काम कर लीजिए 2 × 3 = 6 होते हैं और 6 × 5 = कितना होता है, 30 होता है, और q into क्या हो जाएगा r, 40pr लिखा बच्चों, 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8 5 = 40 और p × r बच्चों। हमको तो HCF ऑफ किसका, 10pqr 30qr एंड 40pr
कितना कितना आएगा एलसीएम को देखेंगे बच्चों, जरा देखिए 2 और कितना आ रहा 5 और कितना आ रहा है पी तो है नहीं भाई आर आर, तो कितना आंसर आएगा 10 आर आ गया। एक बार मैं इसका आंसर जब भी चेक कर लेता हूँ फिर आप लोगों को बता देता हूँ, जरा एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ बच्चों मैं फर्स्ट वाले का 4.1 यस 2 आ गया है, 3x स्क्वायर आ गया, 11 ABC आ गया है और ये 10 आर, यस राइट आंसर आ गया बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर इसका ई पार्ट और एफ पार्ट मैं आप लोगों को क्या दे रहा हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, क्लियर। या आप लोगों को क्या है 2 पार्ट्स इसके होमवर्क में। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, आइए बच्चों देखते हैं क्या आगे भी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देख लेंगे, सब बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे होंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बच्चों, फैक्टराइज करने बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन। अभी आप लोगों ने HCF किया है, HCF इसीलिए हम लोगों ने किया कि यहाँ हमें हेल्प लिख, देखिए 2 जा कितना होता 4 2 हम कॉमन ले लेंगे, एक्स 2 टाइम है बच्चों 1 टाइम है, एक्स हमने 1 टाइम कॉमन ले लिया, कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से एक्स प्लस 2 y, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को, कोई इसमें क्वेश्चन था ही नहीं ऐसा। बी पार्ट में आ जाइए तो यहाँ भी देख लीजिए 8 3 या 24 होते हैं, xy कॉमन आ रहा है, xy हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से 8 3 जा और xy, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। क्लियर हो गया होगा सबको, वन लाइनर क्वेश्चन है ओनली। आइए सी पार्ट देखिए बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, देखिए a³ b² b² a³ तो हम लोग क्या कॉमन लेंगे बच्चों a² b² हमने कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों ab, यहाँ से क्या बचेगा बच्चों 2 और यहाँ से क्या बचा बच्चों आपका a 1 टाइम बचेगा और आपका b² तो कॉमन ही ले लिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आप इस लोगों को क्या लिख सकते हैं, एक मिनट मैं आंसर जब चेक कर लेता हूँ बुक में अपनी क्या गिवन है, फिर आप लोगों को आंसर में दिखा देता हूँ। 4.1 का है बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन, a² b² ab + 2 + a, यही क्वेश्चन गिवन है बच्चों आंसर आपका, कुछ आपको नहीं करने की जरूरत है, छोड़ दीजिए यहीं पर। आइए यहाँ देख लीजिए बच्चों क्वेश्चन एक बार, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कॉमन क्या आ रहा है a - b आ रहा है, क्या आ रहा है a - b, हम लोग एक ब्रैकेट में हम लोग ऐसे लिख देंगे, अब अंदर जो बच्चा क्या बचेगा बच्चों a + 2 b, ये आपका आंसर रहेगा। कितने इजी क्वेश्चन से देखें, यहाँ ये बच्चों क्या कॉमन आ रहा है दोनों में xy + z आ रहा है, एक तो क्या आ रहा है बच्चों y + z आ रहा है और अब आपका क्या बचा 2x - 4xy, क्या बचा 2x - 4xy बच्चों। देखिए इसको तो आप ऐसे नहीं, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका 2 आ रहा है, एक तो कॉमन क्या आ गया 2 और क्या आएगा बच्चों x आ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा आपका 1 - 2y और y + z बच्चों, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, एक बार मैं आंसर चेक कर लेता हूँ इस वाले का भी, ये आपका हो गया बच्चों कौन सा पार्ट a - b a + 2 b राइट आंसर, 2x 1 - 2y और y + z यस राइट आंसर। आइए इसका हम लोग बच्चों नेक्स्ट पार्ट देख लेंगे क्या क्वेश्चन, आइए बच्चों f वाला पार्ट देख लेंगे जरा क्या आ रहा है दोनों में कॉमन, आप लोग देख रहे हैं p - q का होल स्क्वायर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा बच्चों a + b आपका क्या आ जाएगा ये। आइए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चों 15 3 p³ बच्चों क्या कॉमन आ रहा है 3 5 यानी कॉमन क्या आएगा 3 और 5 15 माइनस का p³ बच्चों 3 हमने कॉमन ले लिया। आइए जे पार्ट देख लीजिए इसका, आप लोगों के लिए 2 पार्ट्स मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए m² n² m³ n³ m^4 n^4 तो कॉमन क्या आएगा बच्चों m² n² क्या आ गया आंसर 1 - 2 mn + m² n² क्या आ जाएगा आपका। ओनली वन लाइनर क्वेश्चन है बच्चों और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। यस 1 - 2 m² + n² p - q + 1 आप लोगों को जो जो होमवर्क दिए हैं मैं आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूँ बच्चों, a b c d e f मैंने करा दिया है आप लोगों को, तो जी होमवर्क दिया गया बच्चों, कौन सा पार्ट जी है और आप लोगों को आई पार्ट, ओनली 2 पार्ट्स आप लोगों को क्या होमवर्क है, बाकी मैंने खुद ही करा दिया, आप लोग देख रहे होंगे बच्चों 3 और 3 6 और 2 8 मैंने कराए, 2 आप लोगों के होमवर्क है, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देने। चलते हैं बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं, बच्चे देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर ये आपका 3 है और 3 क्वेश्चन में जो गिवन है वो है रिजोल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इनटू फैक्टर्स बच्चों, आपको क्या करना है ये फैक्टर्स के फॉर्म में देने हैं बच्चों इनके आंसर,
आइए हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। आप सब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे थोड़ा डीपली। यहाँ देखिए p की पावर 5 है बच्चों, p की पावर 2 है, तो हम क्या करेंगे, p की पावर 2 हमने कॉमन ले ली। यहाँ पर क्यों कॉमन है बच्चों, यहाँ क्यों क्यूब है, तो हम क्यों कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा उस पर ध्यान देना बच्चों, p की पावर 2 तो मैंने कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या बच्चों, क्यूब बचा, ठीक है ना भाई। 5 में से 2 गया 3 आ गया ना, क्यों कॉमन ले लिया, माइनस 5 तो लिया नहीं, 5 आ जाएगा। पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्यों वन टाइम कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आ जाएगा, क्यों स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ गया। वन लाइनर क्वेश्चन है बच्चों ये वाले भी, आंसर चेक कर लेंगे सभी बच्चे। 3p क्यूब माइनस 5 क्यू स्क्वायर, यस राइट आंसर। आइए बी पार्ट पर जाइए बच्चों, देखिए 9 है यहाँ 10 है भाई, 9 और 10 तो आने से रहा बाहर, कॉमन क्या आएगा आपका, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया बच्चों, और क्या आ गया आपका, सी स्क्वायर आ गया। यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 9 आ गया और सी आ जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिए, माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ पर, और बच्चों ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यही क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। एक बार मैं क्वेश्चन रीचेक कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन लिखने में बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं आजकल। देख रहे हो पी 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 कॉमन आ रहा है ओनली, तो पी कॉमन तो क्या बचा, एम माइनस एल प्लस एम, यहाँ पर आपको एन गिवन है, क्या गिवन है, एन गिवन। मैं आपसे कहता ना मेरे से क्वेश्चन लिखने में बहुत मिस्टेक्स हो रही हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से नोट करेंगे और आंसर आपका वन लाइनर ही है। क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है बच्चों। आइए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका डी पार्ट आ जाइए, क्या कॉमन आएगा बच्चों, 5, 4, 25, 3, 15। 5 कॉमन ले लीजिए, x की 15, x की 12, कम वाला लेते हैं हमेशा, ध्यान रखना बच्चों, y की 15, y की 13, तो कम वाला लेंगे आप लोग, इस चीज़ का सिर्फ ध्यान रखना है। 5, 4 हो जाएगा कितना, 5, 4 x 15 था 12 ले लिया, तो कितना x 13 आ जाएगा, y 15 था 13 बाहर ले लिया बच्चों, y 12 आ जाएगा भाई, यही तो आएगा, 15 में से 13 कर 12 नहीं 13 कैरी ले लिया ना, तो 2 आएगा, हाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ 15 में से 12 गए तो बच्चों 3 आएगा। देखो मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से करना बच्चों, 5, 3 कितना आ जाएगा, 15, x की 12 हमने कैरी बाहर ले लिया, y की 13 हमने बाहर ले लिया, तो यही आंसर आप लोगों का। आइए ई पार्ट देखते हैं बच्चों, ई में देख लीजिए जरा, 7 कॉमन आ गया आपका, और क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, बचा क्या वो लिख लीजिए जरा, क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर आ गया प्लस का, भाई x हमने बाहर ले लिया, क्या बचा यहाँ पर, y क्यूब आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा सभी को क्वेश्चन। f पार्ट पे आइए बच्चों, क्या कॉमन है भाई, 3 नंबर में तो कुछ नहीं आ रहा कॉमन, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, छोड़िए, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए, बाकी जो बचा उसे अंदर लिख दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर प्लस, और ये आपका 12 है यहाँ पर, तो 12 का तो 12 ही रहने दीजिए, वाई स्क्वायर आपने कॉमन लिया, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। मैं एक बार इस वाले क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेता हूँ जरा, एक्साइज है भैया आपकी 4.1 है बच्चों, कौन सी एक्साइज है, 4.1 और थर्ड का एफ पार्ट, वाई स्क्वायर 3x स्क्वायर 4z स्क्वायर 12x स्क्वायर z स्क्वायर, यस राइट आंसर। और डी पार्ट का देख लेता हूँ मैं, ई पार्ट का देख लीजिए, 7x x स्क्वायर y क्यूब, यस राइट आंसर, x की 12 y की 13 4x क्यूब y स्क्वायर माइनस 3, यस राइट आंसर। सब क्वेश्चन के आंसर एकदम सही आए बच्चों। जी पार्ट का ये देखिए, देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, नंबर तो आने से रहा कॉमन, ए स्क्वायर ए और ए बच्चों, क्या कॉमन ले लीजिए, ए ले लीजिए, बी बी स्क्वायर बी बच्चों, बी कॉमन ले लीजिए, सी 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 स्क्वायर सी कॉमन ले लीजिए, जो बचा अंदर लिखिए, 2 भाई बी सी हमने बाहर ले लिया, क्या आ जाएगा, ए माइनस का 3 भाई, ए सी हमने बाहर ले लिया, क्या बचा हमारा, बी माइनस का सॉरी प्लस का, हमने बच्चों सी कॉमन लिया था, हमने क्या कॉमन लिया, ए बी सी कॉमन लिया है, मतलब सब में से, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। एच पार्ट देख लीजिए बच्चों, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, एल की पावर 4 एम की पावर 2 एल स्क्वायर एम की पावर 4 एल की पावर 4 एम की पावर 4, तो आप लोग सबसे कम वाला देख लीजिए बच्चों, एल स्क्वायर और एम स्क्वायर, क्या बच्चा बच्चों, यहाँ से एल स्क्वायर, यहाँ से क्या बच्चा बच्चों, एम स्क्वायर, यहाँ से क्या बच्चा बच्चों आपका, बताइए, ये तो हमने एल स्क्वायर एम स्क्वायर, ये आप लोगों का क्या आ जाएगा आंसर आ गया। आंसर चेक कर लेंगे अभी, देख लेंगे, यहाँ जाइए 50 और यहाँ 5, तो 5 कॉमन आ जाएगा बच्चों, ठीक है, कितना कॉमन आएगा, 5, 10, 5, 5, 5, 1, यस 5 कॉमन आ जाएगा, और p कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, 5, 10 यानी p स्क्वायर 5, 5 यानी p और प्लस में 5, 1, 5, ये 1 आ जाएगा आपका। अब आप सारे आंसर चेक कर लेंगे एक बार सभी बच्चे, आइए हम सब आंसर एक बार चेक कर लेंगे, 4.1 का थर्ड का जी पार्ट,
ए बी सी टू ए माइनस थ्री बी प्लस फोर सी एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एल स्क्वायर एम स्क्वायर फाइव पी टेन पी स्क्वायर माइनस फाइव पी प्लस वन। यस ऑल क्वेश्चंस आर विल बी राइट, सभी सही हो गए हैं क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो अब हम बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ देखते हैं बच्चों। बच्चों ये आपका फोर है, फैक्टराइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार रिजेक्ट कर लेंगे अपनी अपनी सब बुक से जरा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, कॉमन देखेंगे सबसे पहले हम। देखिए 20 और 15 बच्चों क्या कॉमन आएगा, 5 3 जा 15 होते हैं, 5 4 जा 20, एक तो 5 कॉमन ले लिए। देखिए HCF आप लोग पहले से ही करते आ रहे हैं, तो मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कम से कम वाली जो सबसे मिनिमम होगा वही बाहर लेना है। जैसे देखिए ध्यान से, देखिए अब ध्यान से, यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा, यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा। भाई क्यूब कम होता है या स्क्वायर कम होगा? सर कहेंगे स्क्वायर कम होगा, तो हम बच्चों क्या कॉमन लेंगे यहाँ से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बाहर ले लिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा, a माइनस बी का होल क्यूब लिखा, भाई कौन कम होगा, स्क्वायर कम होगा क्यूब कम होगा? कहेंगे सर स्क्वायर कम होगा, भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए आप, जो बचा वो लिखिए। 5 3 जा a प्लस बी का होल क्यूब था, टू टाइम हमने बाहर लिया बच्चों, क्या आ गया a प्लस बी आ गया, ये बाहर लिया पूरा का पूरा हमने। देखिए माइनस का साइन लगाइए, 5 4 जा 4 आ जाएगा, ये हमने पूरा बाहर लिया, यहां से वन टाइम आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व कर आइए, 5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 3a प्लस 3b माइनस 4a प्लस का 4b। सर प्लस क्यों लगाया भैया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आइए आगे सॉल्व कर दीजिए इसको, 5 a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, मार्कर थोड़ा चेंज कर दूं तभी समझ में आएगा, वरना कहेंगे सर चमक नहीं आता। देखिए अब 3a है या 4a है, 4a में से 3a जाएगा, माइनस का a आ जाएगा, 3b और 4b कितना होता है, 7b होता है। अब यहाँ आंसर छोड़ दीजिए, या आप लोग क्या कर सकते हैं, स्कोर क्या लिख सकते हो बताइए भाई, ये माइनस यहाँ आ रहा है ना पहले, तो बुक वालों का मैं कह रहा ना इनका कुछ पता नहीं होता किस तरीके से आंसर दे देंगे, तो इनकी वजह से मुझे जो है इसको ऐसे घुमा के लिखना पड़ेगा, 7b माइनस a। अब मैं आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ, है ना, चेक करना जरूरी है, वरना आप लोग कमेंट्स करेंगे सर आंसर गलत आ गया, आंसर गलत आ गया। फोर्थ का है ए पार्ट, 5 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस ए प्लस 7b, यही दे रखा है, तो आप लोग यहाँ पर छोड़ दीजिए या आप लोग यहाँ छोड़ दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने दोनों तरह से आपके कर दिए। देखिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, माइनस का 4 8 और 24 बच्चों कितना कॉमन आएगा, आप लोग देख रहे होंगे सर कि जो है माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए आप, मैं माइनस का 4 कॉमन ले रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए पी पी क्यू पी स्क्वायर, तो पी कॉमन आ जाएगा कम वाला, क्यू स्क्वायर क्यू 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 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आर क्यूब आर स्क्वायर और आर, तो आर कॉमन ले लीजिए, क्या आ गया भाई माइनस, तो मैंने कॉमन ले लिया, अब बचा क्या, यहाँ से देखेंगे सब लोग बच्चे अब एक बार, भाई क्यू स्क्वायर पूरा कॉमन लिया, यहाँ से बचा आपका कितना आर आ गया, यहाँ देखिए माइनस बाहर लिया मैंने तो अंदर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ध्यान देना बच्चों, अभी आंसर शीट में देख लूँगा मैं बाद में उन्होंने क्या किया हुआ है, या पहले देख ही लीजिए, क्या पता उन्होंने माइनस कॉमन ना लिया हो फिर आप लोग कहेंगे आंसर नहीं मैच हो रहा है। हाँ भाई 4.1 यस माइनस कॉमन लिया बच्चों, मैं कह रहा माइनस तो कॉमन लेंगे ये, तो आइए 4 2 जा 2 आ जाएगा, और पी क्यूब था यहाँ, पी हमने कॉमन लिया तो पी स्क्वायर आ जाएगा, क्यू स्क्वायर कॉमन लिया कि हमने क्यू आ जाएगा, और आर स्क्वायर है और हमने क्या लिया बाहर आर लिया, तो एक बार हमारा आर आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, पता है ना साइन चेंज हो रहा है, माइनस कॉमन लिया ना हमने, जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपका बन जाएगा सेम बच्चों। 4 6 जा बच्चों 24 होते हैं ना, आर आपने कॉमन ले लिया ठीक है जी, पी आपने कॉमन लिया वन टाइम तो वन टाइम आ जाएगा, क्यों आपने टू टाइम लिया बच्चों टू टाइम, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। मैं आंसर एक बार मैच कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग नोट करेंगे, आपकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की, पी क्यू स्क्वायर आर आर स्क्वायर माइनस टू पी स्क्वायर क्यू आर और प्लस में 6p, यस राइट आंसर। तो बच्चों ये हमने बात की एक्सरसाइज 4.1 की, चैप्टर नंबर 4 की फैक्टराइज की, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे, तो आप लोग हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन बच्चों ने अभी तक नहीं किया है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए कैसे हैं आप।